वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा सोशल साइकोलॉजी में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है उसके नेचर को समझना, डेफिनेशंस किस टाइप की हैं, क्या स्कोप है, क्या लेवल्स है, इसको जानना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको कि पहले तो इसका सब्जेक्ट मैटर होता क्या है, ठीक है, या कैसी डेफिनेशंस हैं जो हमें सोशल साइकोलॉजी को समझने में हेल्प कर सकती हैं। साइकोलॉजी की एक ठीक है इंडिपेंडेंट जो ब्रांच है वो सोशल साइकोलॉजी है और इसकी स्टार्टिंग 1908 में की गई जब विलियम मैकडगल ने सोशल साइकोलॉजी की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बुक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी पब्लिश की। तब से आज तक के जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सोशल साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर की जो स्टडी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट से की है और अपने अकॉर्डिंगली सोशल साइकोलॉजी को डिफाइन किया है। डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के जो भी थॉट्स हैं, ओपिनियन है, उनसे बहुत क्लियर हो जाता है या इस बात पे सहमति बनती है कि जो भी सोशल साइकोलॉजी है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सोशल इंटरेक्शन है। ठीक है, हम कितनी भी बातें कर लें, कितना भी चीज़ें बता लें, आफ्टर ऑल इन लास्ट हम यही कहते हैं कि सोशल साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सोशल इंट्रैक्शन है। सोशल इंट्रैक्शन से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले इंट्रैक्शन से होता है। करीब करीब जितने भी सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशंस में इसी सोशल इंट्रैक्शन को फोकस मानकर सोशल साइकोलॉजी के नेचर को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस दी, उन डेफिनेशंस के द्वारा इन्होंने सोशल साइकोलॉजी को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह की डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे किम्बल और यंग ने बताया कि सोशल साइकोलॉजी व्यक्तियों की इंटरपर्सनल जो भी ठीक है इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन किए जा रहे हैं तथा इन इंट्रैक्शन का व्यक्ति विशेष की जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग हैं, इमोशन हैं, उनकी जो हैबिट्स हैं उस पर जो भी इफ़ेक्ट है उसको स्टडी करता है। तो किम्बल और यंग ने क्या बोला, जो सोशल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी व्यक्तियों का जो आपस में ये जो व्यक्ति हैं या हम इंडिविजुअल्स हैं ठीक है सोसाइटी में जो भी इंट्रैक्शंस करते हैं और उन इंट्रैक्शन का हमारे खुद की थॉट्स पे, फीलिंग पे, इमोशन पे, हमारी हैबिट्स पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसको स्टडी करता है सोशल साइकोलॉजी। क्रेच और क्रशफील्ड ठीक है और बैलेची ने क्या बताया कि सोशल साइकोलॉजी सोसाइटी में व्यक्ति के बिहेवियर को स्टडी करने की साइंस है। ठीक है, बैरन और बर्न ने बताया कि सोशल साइकोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक एरिया है जो सोशल सिचुएशंस में व्यक्ति के बिहेवियर, उनकी थिंकिंग की नेचर और किस वजह से वो बिहेवियर हुआ है उनके कारणों को समझने की कोशिश करता है। फिशर के अकॉर्डिंग सोशल साइकोलॉजी में इस बात की साइंटिफिक स्टडी की जाती है कि किस तरह से किसी स्पेसिफिक या किस तरह से किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर है सोशल एनवायरनमेंट में अवेलेबल अन्य लोगों के बिहेवियर द्वारा इफेक्टेड होता है और उसे बदलने में प्रभावित होता है। ठीक है, फेल्डमैन ने बताया कि सोशल साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें किस तरह से किसी व्यक्ति के थिंकिंग प्रोसेस, उसके इमोशन, फीलिंग, उसके एक्शन द्वारा प्रभावित होता है उसको स्टडी किया जाता है। मेयर्स ने बताया कि व्यक्ति दूसरों के बारे में किस तरह सोचता है, दूसरों को कैसे प्रभावित करता है तथा एक दूसरे को से किस तरह रिलेट करता है ठीक है इसकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है और यही सोशल साइकोलॉजी है। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी को अगर आपने समझ लिया तो इसकी डेफिनेशंस आप इजीली लिख पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या बताया गया है कि सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ स्टडिंग बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल इन सोशल सिचुएशंस। यानी कि समाज जो मनोविज्ञान है, सोशल साइकोलॉजी व्यक्ति के बिहेवियर, उसके एक्सपीरियंसेस का सोशल सिचुएशन में स्टडी करने का एक साइंटिफिक या साइंस है। ठीक है, आप ये जो परिभाषाएँ ऊपर दी गई, जो डेफिनेशंस डिस्कस की गई उनके बेस पे हम कुछ मेन फैक्ट्स पे पहुँचते हैं कि समाज मनोविज्ञान एक
विज्ञान है और मनोविज्ञान की एक ब्रांच है, ठीक है। पहला ये। दूसरा, सोशल साइकोलॉजी में हम व्यक्ति की बिहेवियर और उसके एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं। तीसरा, सोशल साइकोलॉजिस्ट इन बिहेवियर्स को, उनके एक्सपीरियंस को स्टडी जो करता है वो सोशल सिचुएशंस में करता है, ठीक है। सोशल सिचुएशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सोशल सिचुएशंस किसे कहते हैं, तो शेवर के अकॉर्डिंग सोशल सिचुएशंस उस सिचुएशन को कहा जाएगा जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों या ग्रुप्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। मतलब वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे सोशल इंटरेक्शन। अब ये है न्यूकॉम के अकॉर्डिंग, इंटरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को परसीव कर रहा है या इसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है जो उसे परसेप्शन करके उसके प्रति भी रिस्पॉन्स कर रहा है। भाई मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे प्रति रिस्पॉन्स कर रही हूँ, तुम भी मुझसे देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, मेरे प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक इंट्रैक्शन का प्रोसीजर है। तो इस तरह के इंट्रैक्शन में एक व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स है दूसरे व्यक्ति के लिए स्टूमलेस का कार्य करता है। और ये जो इंट्रैक्शन है वो दो तरह का है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन और सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन। फेस टू फेस इंट्रैक्शन में एक व्यक्ति का जो इंट्रैक्शन है दूसरे व्यक्ति जो उसके सामने प्रेजेंट होता है उससे होता है, ठीक है। और सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन में दो अलग अलग जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों के बीच में इंट्रैक्शन होता है। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो कि दूसरे शहर में रह रहा है एक लेटर लिखता है या कॉल करता है और फिर उस लेटर का जवाब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को देता है। तो इस तरह जो इंट्रैक्शन हुआ उसमें सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक स्टूडेंट या क्लास में अगर प्रियंका महक से पूछ रही है कि तुम कहाँ जा रही हो तो, और महक कह रही है मैं घर जा रही हूँ, तो ये क्या है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो भी सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो भी सोशल इंट्रैक्शन है वो तीन तरह से हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होना, इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, मतलब कि शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ाना या नेता या लीडर द्वारा ऑडियंस को अपनी स्पीच देना, ये दूसरे तरह का इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप, जैसे कि दो स्पेसिफिक ग्रुप्स का आपस में बात करना, सिपाही या जो भी सिपाही होते हैं या कोई लीडर्स हैं उनके अगर दो ग्रुप्स बने हुए हैं उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट दिखना, या पॉलिटिकल ग्रुप्स हम लोग देखते हैं उनके आपस में वो दिखते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट, या दो जो टीम्स हैं हमारी खिलाड़ियों की जो टीम्स हैं उनका खेल खेलना, इस तरह का इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी में जो सब्जेक्ट मैटर है इन तीनों तरह के इंट्रैक्शन को अपने में इंक्लूड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस तरह का सोशल बिहेवियर है, क्या नेचर है, क्या लेवल ऑफ एनालिसिस है। तो सोशल साइकोलॉजी में सोशल सिचुएशंस में व्यक्ति की बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं और ये उसकी बिहेवियर को स्टडी करने का एक साइंस है। ऐसे बिहेवियर को सोशल बिहेवियर कहा जाता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट सोशल बिहेवियर के नेचर को, उसकी कॉजेस को स्टडी करने पे फोर्स डालते हैं। इतना ही नहीं, वे इंडिविजुअल के सोशल बिहेवियर की एनालिसिस कई लेवल्स पे करते हैं और सोशल बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और इंडिविजुअल को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये एनालिसिस कैसे की जाती है, तो इसके नेचर को समझने के लिए हमें लेवल ऑफ एनालिसिस देखनी पड़ेगी। यानी कि पहला है इंडिविजुअल लेवल। सोशल बिहेवियर का जो इंडिविजुअल लेवल है उस पर एनालिसिस करने में कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल जैसे कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गया, मोटिव्स हो गए, नीड हो गया, एटीट्यूड्स हो गया, इन पर फोकस किया जाता है। इस इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी करके व्यक्ति द्वारा किए जा रहे सोशल बिहेवियर को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल लेवल है। इंटरपर्सनल लेवल क्या है, जब सोशल बिहेवियर की इस लेवल पे हम एनालिसिस का जो रिलेशनशिप है दो व्यक्ति, ठीक है, इसमें दो व्यक्ति शामिल होंगे, दो व्यक्तियों के बीच जो इंट्रैक्शन होता है वो होता है।
इंटरपर्सनल परसेप्शन, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कैसे हो रहा है उन दोनों के बीच में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो आपस में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश की जाती है। ग्रुप लेवल, इस लेवल पे सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्रुप के कुछ ऐसे ट्रीट्स को स्टडी करते हैं जिसका इफ़ेक्ट व्यक्ति के बिहेवियर पे डायरेक्ट जो है डायरेक्ट पड़ता है, जैसे कि ग्रुप का एटमॉस्फेयर कैसा है, ग्रुप के नॉर्म्स कैसे हैं, कम्युनिकेशन का नेटवर्क कैसा है, क्योंकि आप जिस ग्रुप में रह रहे होंगे उस पे उस ग्रुप का एटमॉस्फेयर, नॉर्म्स, कम्युनिकेशन, नेटवर्क आपको इफ़ेक्ट किया होगा। और जब आप एक ग्रुप से कम्युनिकेट करते हो या दूसरे से कम्युनिकेट करते हो तो हम इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप लेवल पे स्टडी करते समय हमें इन ट्रेट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर है इंटर ग्रुप लेवल, इस लेवल पर सोशल साइकोलॉजिस्ट एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ होने वाले इंट्रैक्शन की एनालिसिस करते हैं, ठीक। ग्रुप लेवल में हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, इंटर ग्रुप लेवल पर हम दो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जब आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन ग्रुप्स के बीच में क्या प्रेजुडाइज फैले हुए हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किससे वो एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनका इंटर ग्रुप बिहेवियर कैसा है, ग्रुप इन्फ्लुएंस कैसा है, इसको जानने के बाद हम स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इस लेवल पे सोशल साइकोलॉजिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ होने वाले इंट्रैक्शन की एनालिसिस करके उस ऑर्गेनाइजेशन एवं उसके अंदर के जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। यहाँ सोशल साइकोलॉजिस्ट स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल, कॉलेज और जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं तथा जो नॉन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, या सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आदि को स्टडी कर पाते हैं। कम्युनिटी लेवल, इस लेवल पर सोशल साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में फैले हुए कल्चरल ग्रुप्स, ठीक है, कि एक सोशल सिस्टम की को एक सोशल सिस्टम के रूप में स्टडी करते हैं। ऐसा करने में जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं लेविनियन मेथड, एक लेविनियन मेथड है उसको फॉलो करते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनके भीतर जो भी फोर्सेस हैं, जो भी डायनेमिक्स जिनको वो फॉलो कर रहे हैं उनको समझने के बाद एक स्पेसिफिक कंक्लूजन तक हम पहुँच सकें। नेक्स्ट है सोसाइटल लेवल, इस लेवल पर सोशल साइकोलॉजिस्ट की जो एनालिसिस की यूनिट होती है वो नेशन होती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य फोकस ये रहता है कि सोशल इश्यूज़ को समझें, नेशनल पॉलिसीज़ को समझें, उसमें जो लॉज दिए गए हैं उनको समझें, कल्चरल नॉर्म्स को समझें, सोशल चेंजेस कैसे होते हैं, कैसे उसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, ठीक है, पॉवर्टी, रेसिसिज्म, सेक्सिज्म, इन सब की जो स्टडी है वो सोसाइटल लेवल पर करें, ठीक है। अब ये तो नेशन की बात हो गई, अब आती है इंटरनेशनल लेवल पे, जब मतलब कि जब दो कंट्रीज़ आपस में इन्वॉल्व हो रही हैं, दो या दो से अधिक कंट्रीज़ आपस में इन्वॉल्व होकर इंट्रैक्शन कर रही हैं, उस इंट्रैक्शन का किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल की एनालिसिस हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद बस स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी है जिसमें हमने ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोशल सिचुएशंस में किए जाने वाले जो बिहेवियर हैं उसको तो हम सोशल बिहेवियर कहते हैं, और सोशल साइकोलॉजी में सोशल बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, और इन सोशल बिहेवियर के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट आपस में मिलकर सोशल साइकोलॉजी के स्कोप को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसके स्कोप में पहला क्या आता है, एटीट्यूड, जो कि मैंने तुम लोग को बताया कि सोशल साइकोलॉजी में हम किसी भी पर्सन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी ग्रुप के, किसी भी सोसाइटी के एटीट्यूड को स्टडी करते हैं, और ABC मॉडल तुम लोग को बताया था कि A फॉर अफेक्टिव, B फॉर बिहेवियर और C फॉर कॉग्निटिव, ये तीनों ही कंपोनेंट एटीट्यूड में इन्वॉल्व होते हैं, और इसके थ्रू हम ABC ऑफ एटीट्यूड जिसको कहते हैं, ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड कहते हैं जिसको, उसके थ्रू हम एटीट्यूड को जान पाते हैं। और इसको जानने के लिए भी कई थ्योरीज़ हैं, डीकॉम की थ्योरी है, हैडर की बैलेंस थ्योरी है, फेस्टिंगर थ्योरी ऑफ डिसोनेंस है, ठीक है, और कई तरह के स्केलिंग मेथड हैं, थर्स्टन, लिकर्ट, गटमैन की मेथड्स को हम देखते हैं। फिर है सोशल परसेप्शन, कि सोसाइटी में जो परसेप्शन है उसको हम स्टडी करते हैं। सोशल परसेप्शन जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उनका जो मेन एरिया रहा है दूसरे व्यक्तियों की मोटिवेशन, उनकी विशेज, उनका एटीट्यूड,
से अवगत होने के बाद अब हम सोशल परसेप्शन को देखने लगते हैं। सोशल परसेप्शन में पहला आता है पर्सन परसेप्शन, ठीक है, एट्रीब्यूशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पर्सन परसेप्शन, जब हम दूसरे से बात कर रहे हैं तो सिर्फ या आप दूसरे को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, तो सिर्फ इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं कि उस इंसान ने कुछ बिहेवियर किया, उसके बिहेवियर के कारणों को भी जानना चाह रहे हैं, ठीक है। एट्रीब्यूशन, उसने जो किया या हमने जो किया तो उसका हम जो क्रेडिट है वो किसको दे रहे हैं, इंटरनल फैक्टर को दे रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर को दे रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह रोल प्ले कर रहा है हमारे इंटरेक्शन के दौरान, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे स्कोप में आती हैं। प्रिजनाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजनाइज और डिस्क्रिमिनेशन भी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट एरिया रहा है। प्रिजनाइज एक ऐसा एटीट्यूड है जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या पर्सन के प्रति फेवरेबल या अनफेवरेबल थॉट्स पे बेस्ड होता है। जनरली लोग जो प्रिजनाइज है उससे ये मतलब निकालते हैं कि हमारे जो भी फेवरेबल थॉट्स हैं उन पे जो बेस्ड जो एटीट्यूड है उससे लेते हैं, परंतु सोशल साइकोलॉजिस्ट में इसका जो मतलब है वो इन दोनों तरह के एटीट्यूड से होता है, ठीक है। तो आपका प्रिजनाइज और डिस्क्रिमिनेशन, जब आप डिस्क्रिमिनेट करने लगते हो लोगों को, ठीक है, मतलब कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति जब होस्टाइल फीलिंग रखता है, होस्टाइल बिहेवियर करता है, बेसिकली एक्शन करने लगता है या नेगेटिव बिहेवियर करने लगता है, तो इसे डिस्क्रिमिनेशन की संज्ञा दी गई है। तो ये भी क्या है, प्रिजनाइज और डिस्क्रिमिनेशन को स्टडी करना भी सोशल साइकोलॉजी का स्कोप में आता है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, ये क्या होता है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन रिफर्स टू वंस इवैल्यूएशन ऑफ और वंस एटीट्यूड अबाउट सम अदर पर्सन, ठीक है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन से तात्पर्य है किसी दूसरे व्यक्ति को पॉजिटिवली या निगेटिवली इवैल्यूएट करने से। हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं या किसी व्यक्ति को नापसंद करते हैं, दोनों तरह की जो एटीट्यूड हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में आएगा। ये भी हमारे ही स्टडी एरिया का पार्ट है। नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा। पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, मतलब कि जनमत तथा प्रचार भी सोशल साइकोलॉजिस्ट के लिए एक प्रमुख या मेन एरिया रहा है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा पब्लिक ओपिनियन है, ऐसे व्यक्तियों के मत को कहा जाता है जिसमें एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि अब पब्लिक ओपिनियन इस टाइम क्यों बढ़ गया है कि मेजॉरिटी जो डेमोक्रेसी है इनको हम जानने लगे हैं। इसके सहारे किसी भी पब्लिक प्रॉब्लम के प्रति हम लोगों के बिलीव्स को, ओपिनियन को, व्यू पॉइंट को जान सकते हैं। और आजकल तो और भी चीज़ें ईजी हो गई हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है। हम उसके थ्रू एक सर्वे डाल देते हैं, क्वेश्चनायर डाल देते हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं, सबके रिएक्शंस आ जाते हैं और हम पब्लिक ओपिनियन जान जाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर व्यू इशू पे क्या लोगों का ओपिनियन है। प्रोपेगेंडा सोशल साइकोलॉजिस्ट के लिए प्रचार एक ऐसी विधि है जिसकी हेल्प से व्यक्तियों की थॉट्स और उनके ओपिनियंस को कंट्रोल कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम मोड़ सकते हैं। आपको मैंने एडवर्टाइजमेंट बताया था कि आप देख ही रहे हो कि जो हमारे घरों में चाय पत्ती यूज़ होती हैं, बेसिकली वही मेजॉरिटी में चाय पत्तियाँ हैं जो कि हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू टीवी में दिखाई जाती हैं, ठीक है। मतलब कि हमने क्या किया, आपके थॉट्स को, आपके ओपिनियन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोड़ दिया। लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप भी सोशल साइकोलॉजी का ही स्कोप एरिया है। एक ऐसी प्रक्रिया है लीडरशिप जिसमें किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप की जो भी एक्शंस हैं एक डेफिनाइट गोल के प्रति एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंट कराए जाते हैं। जिस व्यक्ति का प्रभाव समूह की इन क्रियाओं पर सबसे अधिक होता है उसे लीडर मान लिया जाता है। और लीडर के भी कई टाइप हैं, अथॉरिटेटिव लीडर है, डेमोक्रेटिव लीडर है, कि कौन सा लीडर है या उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं हम सोशल साइकोलॉजी में। सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक व्यक्ति के बिहेवियर, फीलिंग्स, एटीट्यूड में चेंजेस दूसरे व्यक्ति द्वारा कहने या करने के फलस्वरूप हो जाता है, ठीक है। अब ये फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसको भी हम इसी में स्टडी करते हैं। और सोशल इन्फ्लुएंस के तहत हम कन्फॉर्मिटी, कंप्लायंस और ओबीडियंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब कन्फॉर्मिटी इसमें क्या है, कन्फॉर्मिटी डायरेक्ट होती है, यहाँ किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है सोशल नॉर्म्स द्वारा सीधे इफेक्ट होता है। अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में मतलब पहली बार
एंट्री करता है तो उसके बिहेवियर अपने सीनियर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है, उससे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है अपने सीनियर स्टूडेंट से, और वे हमेशा अपने बिहेवियर को उनके बिहेवियर की समरूप यानी कन्फॉर्मिटी या कन्फर्म बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद कंप्लायंस है। कंप्लायंस मतलब अनुपालन करना, ये भी डायरेक्ट है। इस प्रोसीजर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक स्पेसिफिक बिहेवियर करने का अनुरोध करता है, मतलब रिक्वेस्ट करता है। यदि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से किसी टेक्स्ट बुक देने का अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस उम्मीद से करता है कि वह उसे दे देगा। तो ये कंप्लायंस का एग्जांपल है। ऑबीडियंस, ये भी डायरेक्ट होता है पर इंटेंस होता है। ठीक है, इसका सीधा जो रिलेशनशिप है वो कमांड से या ऑर्डर से होता है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस जब किसी व्यक्ति को अपनी कार एक विशेष जगह लगाने का आदेश देती है तो उसे यह उम्मीद होती है कि वह व्यक्ति उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। और इस पर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मिलग्राम ने किया है बेटा। नेक्स्ट है अल्ट्रिज्म, एग्रेसिवनेस और कॉपरेशन और कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, ये भी जो ये जितने भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट्स के नाम लिए भी किसका स्कोप है, सोशल साइकोलॉजी का। अब अल्ट्रिज्म क्या है? अल्ट्रिज्म यानी कि परोपकारिता, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता बिना किसी बेनिफिट्स के करता है। उसे कोई उम्मीद नहीं होती कि उसे किसी प्रकार का लाभ मिलेगा और वो दूसरे की हेल्प कर देता है। ठीक है, ये आपका क्या है, अल्ट्रिज्म हो गया। आप एग्रेशन क्या है, एग्रेसिवनेस क्या है? एग्रेसिवनेस एक ऐसा फिजिकल और वर्बल बिहेवियर है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि या आघात पहुँचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आपका एग्रेसिवनेस है। समझ में आ रहा है ना? अब इसी में फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी को भी हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन से एग्रेशन डेवलप होता है। अगर फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन है हमारे पास तो हम एग्रेसिव हो ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपरेशन यानी कि सहयोग, कॉपरेशन और कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो कॉपरेशन क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और जो आउटकम निकल के आता है उसका श्रेय उन सभी व्यक्तियों पे जाता है जिन्होंने कॉपरेशन किया है। कॉम्पिटिटिवनेस क्या है? एक ऐसा सोशल बिहेवियर जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रायः दूसरी व्यक्ति से आगे निकलने की कोशिश करता है या बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस। र्यूमर्स यानी कि अफवाह। ठीक है, अब ये भी जो स्टडी एरिया है वो किसका है, सोशल साइकोलॉजिस्ट का। आलपोर्ट ने और पोस्टमैन ने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया है। इन्होंने देखा कि अफवाह जो है वो एम्बिगिटी ऑफ सिचुएशन और इम्पोर्टेंस ऑफ सिचुएशंस पे बेस्ड होती हैं। यदि कोई सिचुएशन ऐसी है जो बहुत से व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा अनक्लियर भी है, ठीक है, तो भिन्न भिन्न लोग उसे भिन्न भिन्न टाइप से या भिन्न भिन्न तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अफवाह का जो या र्यूमर जो है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी स्कैटर्डनेस है, फैलाव है, दोनों ही तेज़ी से होगा। शायद यही रीज़न है कि युद्ध के समय या जब कोई बीमारी फैलती है तो र्यूमर बहुत अच्छे से फैलता है। जैसे कोविड में आपने देखा होगा कई तरह के र्यूमर्स फैले हुए थे। फिर है ग्रुप का इन्फ्लुएंस। ग्रुप इन्फ्लुएंस में हम कई तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे सोशल फैसिलिटेशन है, हम कैसे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे ग्रुप वाले अपने आप में इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सोशल फैसिलिटेशन मतलब कि जब हम साथ में होते हैं तो हम कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, अलग अलग होते हैं तो कैसे परफॉर्म करते हैं। क्राउडिंग, सोशल लूफिंग, डी इंडिविजुएशन, ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप थिंकिंग, माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें हम ग्रुप इन्फ्लुएंस में पढ़ेंगे और इसका पार्ट है। ठीक है, तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा और बेसिकली आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर लो, ये मेरा मेन पर्पस है। थैंक यू सो मच बच्चों।